Today is 4th of December, 4th of January and we are here with Current Affairs class. So, aaj 4th January hai 2023 and we are talking about Current Affairs. So, aaj hum log basically kya karne wale hain ki abhi tak jo humne is saal Current Affairs padha, yani ki 2nd ko aur saath hi saath humne jo 3rd ko Current Affairs padha hai, uski aaj hum revision karne wale hain, right? So, aap sabhi ka swagat hai session mein. सेशन को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ सेशन को शेयर भी कर दीजिएगा. वी विल जस्ट बिगिन. गाइज, एवरीवन इज हियर, वॉइस इज क्लियर, आवाज आ रही है सभी को और वीडियो भी क्लियर है ना, आवाज आ रही है. हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, हेलो, हाय एवरीवन. यस, सो आप लोग रेडी हैं, रेडी स्टडी गो मोड में है. तो मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि OTA और IMA का बैच आ चुका है. CRPF के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं या CDS के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उन दोनों का एग्जाम होने वाला है, FCAT का एग्जाम होने वाला है. तो ये सारे बैचेस अवेलेबल है. जो आपका CDS का बैच है उसका नाम है अचीवर्स बैच, जो आपका FCAT का बैच है उसका नाम है उड़ान बैच, है ना. और तो आप इसमें आ सकते हैं, इनरोल कर सकते हैं. अगर आपके पास डिफेंस का महापैक है तो सबसे बढ़िया बात है, महापैक है तो फिर आपको टेंशन की कोई बात नहीं है, है ना. तो महापैक में आप जल्दी से एनरोल कर लीजिए. कोड आपको पता ही है Y332, इसको आप यूज कर लीजिए और तैयारी जो है आप अपनी शुरू कर दीजिए. हाँ जी, सो रेडी स्टडी गो हो जाइए. बिल्कुल, आज हम रिवीजन करने वाले हैं. सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है. कुछ क्वेश्चंस थोड़े सरप्राइजिंग होंगे, आपको लगेगा कि मैम ये क्वेश्चंस तो हमने नहीं देखे थे, तो वो क्वेश्चन आप सीख लीजिएगा और जो क्वेश्चंस रिवीजन वाले होंगे वो क्वेश्चन को आप रिवाइज कर लीजिएगा, है ना. और मैं देख रही हूँ यहाँ पे कि जितने भी बच्चे हैं वो सारे आंसर्स दे. सबसे पहला इम्पॉर्टेंट चीज तो ये है कि आप अपने अंदर का जो हेजिटेशन है उसको खत्म कीजिएगा, कि जितने भी आंसर्स हैं वो पहले आप आंसर्स देने की कोशिश कीजिए. तो क्वेश्चन है कि मुंडेरा बाजार म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या म्यूनिसिपल काउंसिल इन उत्तर प्रदेश को रीनेम किया गया है, तो मुंडेरा बाजार का नाम क्या रखा गया है. ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो हैं, है ना, देखिए हिंदी में भी लिखा ही हुआ है ना, मुंडेरा बाजार नगर पालिका परिषद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है. ज्यादा बच्चे चौड़ी चौड़ा कह रहे हैं, बिल्कुल आंसर सही है. आपको पता है कि 5 फरवरी 1922 यानी कि 100 साल पहले यहां पर चौड़ी चौड़ा कांड हुआ था, जिसके कारण गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस लिया था. तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने रिसीव किया है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होम मिनिस्ट्री से, ताकि वो नाम बदल सके. तो नाम बदलने का काम किसका होता है, सेंटर का होता है. तो उत्तर प्रदेश ने पहले नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लिया है और मुंडेरा बाजार म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो गोरखपुर में है यहाँ पर इसका नाम रख दिया गया है चौड़ा चौड़ी. साथ ही साथ तेलिया अफगान जो गांव है उसका नाम भी चेंज कर दिया गया है. ये देवरिया डिस्ट्रिक्ट में है. देवरिया डिस्ट्रिक्ट को ही पहले कुशीनगर कहते थे. कुशीनगर में ही गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था, उनका जो है वो निधन हुआ था. तो तेलिया शुक्ला नाम इसका रख दिया गया है, तेलिया अफगान का. ये देवरिया में है और चौड़ा चौड़ी जो है गोरखपुर में है. ये दोनों उत्तर प्रदेश में 75 डिस्ट्रिक्ट में 2 डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि ईस्ट में पड़ते हैं. इनको पूर्वांचल डिस्ट्रिक्ट भी कहते हैं, ये बिहार से बॉर्डर लगाते हैं, ठीक है. चलिए, Who has been honored with Atal Anveshi Sikhar Samman? तो ये बताइएगा. Yes, guys, please थोड़ा concentrate. हिंदी English तो नहीं करना है यहाँ पे. देखिए हिंदी में भी लिखा ही हुआ है कि अन्वेषी शिखर सम्मान 2022 किसको सम्मानित किया गया है, है ना. Yes, जो नए बच्चे हैं वो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आज हम रिवीजन कर रहे हैं, 2 दिन का रिवीजन कर रहे हैं. तो इसीलिए बाकी बच्चे जो हैं वो जल्दी जल्दी आंसर दे रहे हैं. आप भी रेगुलर होइएगा तो आप आंसर दे दीजिएगा, ठीक है. बहुत सब कोई सही बता रहा है, गुड. अभी तक मुझे सारे आंसर सही दिख रहे हैं, लेकिन आंसर कम दिख रहे हैं, ये दिक्कत की बात है ना.
हाँ SSC JEE एग्जाम में दोनों में रहेगा, हिंदी में भी रहेगा इंग्लिश में भी रहेगा। जो भी आप एग्जाम दीजिएगा, इसको सुन लीजिए, जो भी आप एग्जाम दीजिएगा है ना, जो भी बच्चे जो भी एग्जाम देंगे, GK की सारे क्वेश्चंस जो हैं वो दोनों माध्यम में होते हैं, इंग्लिश में भी होते हैं हिंदी में भी होते हैं। सिर्फ इंग्लिश के क्वेश्चंस आपको इंग्लिश में ही मिलेंगे ऑब्वियसली, है ना, उसको हिंदी में नहीं खोजिएगा, बाकी आपको सारे मिलेंगे। और आशीष जी आप पढ़ाई कर लीजिए, अदरवाइज आपको जो है यहाँ से ब्लॉक कर दिया जाएगा। प्रभु चंद्र मिश्रा इनका नाम हैज ऑनर्ड द प्रेस्टिजियस अटल सम्मान अवार्ड, अटल अन्वेषी शिखर सम्मान मिला है इनको, ये अटल सम्मान समारोह दिल्ली में मिला है। इन्होंने साइंस एंड रिसर्च में बहुत अच्छा काम किया है। अगर आपसे ATL का फुल फॉर्म पूछा जाएगा तो इसका मतलब होता है अटल थिंकरिंग लैब, अटल थिंकरिंग लैब। अगला क्वेश्चन, हाँ नहीं, जो आप सोच रहे हैं ना तो वो पूछने पे, मतलब वो आपसे पहले पूछा जाता है कि आप किस माध्यम में कंफर्टेबल है। तो जिस माध्यम में, जैसे ऑनलाइन एग्जाम में क्या होता है कि आप जिस भी माध्यम में कंफर्टेबल रहेंगे उसमें पहले आ जाएगा ऑप्शन इंग्लिश या हिंदी, तो उसमें आपको टिक करना होता है, ठीक है। फर्स्ट केस ऑफ डेडली ब्रेन ईटिंग अमीबा, अमीबा मिला है दिमाग खाएगा, जैसे कि आप लोग भी कभी कभी खाते हैं, तो अमीबा का इन्फेक्शन ये हुआ है साउथ कोरिया में। ब्रेन ईटिंग अमीबा है ये, इसका इन्फेक्शन हुआ है कहाँ, साउथ कोरिया में। और प्राइमरी अमीबा मेनिनजो इंसेफलाइटिस PAM अमीबा इसका नाम है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे, किस राज्य सरकार ने राशन कार्ड धारकों को पोंगल उपहार के रूप में 1000 रुपए देने की घोषणा की है। तो जिनके पास भी राशन कार्ड है, पुष्पेंद्र शर्मा पढ़ाई कर लो, है ना, पुष्पेंद्र शर्मा पढ़ाई कर लीजिए, आशीष आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट का प्रिपरेशन कहाँ चल रहा है, यहीं पे आप पढ़ सकते हैं, करंट अफेयर्स यहीं से आता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर राशन कार्ड होल्डर हैं तो उनको पोंगल के समय तमिलनाडु सरकार, जिसके चीफ मिनिस्टर का नाम है MK Stalin, ये देंगे आपको क्या, 1000 रुपए एक्स्ट्रा पोंगल के लिए। अच्छा, कुचिपुड़ी कहाँ का डांस है, अगर आपसे पूछा जाए, अभी SSC JEE में भी, SSC के CGL के एग्जाम में आया था, कुचिपुड़ी कहाँ का डांस है, मोहिनीयत्तम कहाँ का डांस है ना, मोहिनीयत्तम कुचिपुड़ी ये कहाँ का डांस है। साथ ही साथ आप मुझे ये बताइए कि कथक कली कहाँ का डांस है, कथक कली कहाँ का डांस है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए, मोहिनीयत्तम, कथक कली और कुचिपुड़ी आप बताइए। उसके बाद भरतनाट्यम बताइए, भरतनाट्यम कहाँ का डांस है, ठीक है। तो ये चार डांस मैंने आपसे पूछे हैं, ये चारों डांस साउथ इंडिया के हैं। इंडिया, पूरे इंडिया में टोटल 8 क्लासिकल डांस है, इसमें से ये 4 भी है। तो कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश में है, बहुत अच्छे सबको ये बता रहे हैं। मोहिनीयत्तम और कथक कली ये दोनों ही केरला में है, ठीक है, मोहिनीयत्तम और कथक कली दोनों ही केरला के डांस है, और भरतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु का डांस है। तो ये सब भी आपको साथ ही साथ पता होना चाहिए। उसके बाद आप बताए कि सतारिया कहाँ का डांस है, सतारिया, सतारिया, ठीक है, सतारिया। मणिपुरी कहाँ का डांस है, मणिपुरी, ठीक है। और ओडिसी कहाँ का डांस है, तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि ओडिसी जो है ओडिशा का है, मणिपुरी जो है मणिपुर का है, सतारिया असम का डांस है। और कथक जो है, कथक ये आपका नॉर्थ इंडिया में होता है, जनरली यूपी राजस्थान में आपको कथक मिलता है। तो ये आपके 4 जो डांस हो गए ये नॉर्थ इंडिया के डांस हो गए, तो टोटल आपके 8 डांस हो गए, कुचिपुड़ी, मोहिनीयत्तम, कथक कली, भरतनाट्यम, ओडिसी, सतारिया, मणिपुरी और कथक। 8 क्लासिकल डांस है जो साहित्य नाटक अकेडमी द्वारा माने जाते हैं, एक्नॉलेज किए जाते हैं। Who has been appointed as the chairman of National Highway Authority of India? NHAI के जो चेयरमैन है वो कौन बने हैं, ये आप जल्दी से बता दीजिए। हाँ जी, तो NHAI के चेयरमैन जो है इनका नाम है संतोष कुमार यादव, बहुत बढ़िया है, सबको याद है, एक्सेलेंट, वेरी गुड।
NHAI के चेयरमैन 1995 बैच के IAS ऑफिसर हैं, यूपी कैडर के हैं, संतोष कुमार यादव इनका नाम है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में पहले ये थे। नेक्स्ट देखेंगे सीईओ, तो सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बने हैं, कहां के, FSSAI के यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सीईओ किसको बनाया गया है, तो इनका नाम क्या है, इनका नाम है कमला वी राव। ठीक है, बाकी इनके बारे में जो ऑप्शंस है ना इसको भी देख लेना, ये सब कुछ पढ़ा हुआ है, रजविंदर सिंह, AK सिंह, दिनेश कुमार शुक्ला, ये सब भी आप बता सकते हैं साथ ही साथ। तो यहाँ पे गंजी कमला वी राव IAS ऑफिसर, ये भी ये सीईओ बने हैं FSSAI के, इसके पहले ये टूरिज्म डिपार्टमेंट में थे। तो हर डिपार्टमेंट का जो सबसे ऊंचा पोस्ट होता है उसमें IAS ऑफिसर्स को बनाया जाता है, सीईओ MD है ना हेड। फिर आप बताएं हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ सूर्य उदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो क्वीन आंसर दे रही है, RN आंसर दे रहे हैं, गौरव है, पलक है, सलीम है, मोहित है, संतोष है, निधि है, अंकित फौजदार है, उसके बाद हिमांशु है, श्रेय है, अमित है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, लेकिन आज बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं भी हैं, तो उसका कारण आप मुझे बताइएगा। अच्छा, सेशन को लाइक कर दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है, अपने जिंदगी के 2-3 सेकंड निकाल के। तो इसका आंसर भी आप लोग सही बता रहे हैं जहां तक मुझे दिख रहा है। हाँ, भास्कर बाबू रामचंद्रन इनका नाम है, ये सूर्य उदय बैंक के MD एंड CEO बने हैं। कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, तो हम लोग को रेडी रहना है। नेक्स्ट, चीफ इंजीनियर इन चीफ बोल लो, इंडियन आर्मी के इंजीनियर इन चीफ किसको बनाया गया है, इंजीनियर इन चीफ है ना। हाँ, आज ठंड है, पूरे महीने ठंड रहेगी, इसी को ठंडे का मौसम कहते हैं। अच्छा, वैसे तुम लोगों को पता है ना कि अगर अर्थ जो है वो सन के चारों ओर घूम रहा है, राइट, तो अभी अर्थ यहाँ पे होगा और अर्थ जो है इस तरह से स्लैंटिंग इसका स्पिन है और ये इक्वेटर है और सन जो है इसके सदर्न हेमिस्फेयर में अपना डायरेक्ट रेज डाल रहा है, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डायरेक्ट रेज डाल रहा है, नहीं केप्रिकॉर्न पे डाल रहा है, यस, ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉर्न पे डाल रहा है, इसीलिए नॉर्थ में ठंड है, विंटर है, और साउथ में क्या है, समर है, वेरी गुड, साउथ इंडिया में नहीं, वर्ल्ड के साउथ में। तो चीफ इंजीनियर का नाम है जनरल अरविंद वालिया, जनरल अरविंद वालिया इनका नाम है। चलिए अगला सवाल है कि इंडिया और ADB ने साइन किया है कि ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक इनको देने वाला है 125 मिलियन का लोन ताकि अर्बन सर्विसेज को बेहतरीन बनाया जा सके। तो ये बेहतरीन कहाँ पे बनाया जाएगा, किस स्टेट में, कर्नाटका में, तेलंगाना में, केरला में या तमिलनाडु में, ये जल्दी से बताएंगे कहाँ पे इसको बेहतरीन बनाने की बात की जा रही है। गाइज, एवरीवन, हेलो, गुड मॉर्निंग, आंसर आ चुका है, गलत बताया जा रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसका आंसर गलत बताए हैं, कर्नाटका आंसर नहीं है, तमिलनाडु है, यहाँ के वाटर सप्लाई या वेस्ट मैनेजमेंट, सीवेज कलेक्शन, उसके ट्रीटमेंट को, डेवलपमेंट ऑफ क्लाइमेट रिजिलिएंट प्रोग्राम्स, यहाँ पे बात हो रही है। अच्छा, ये ठंड के मौसम में अभी बारिश कहाँ होगी, तो बारिश भी तमिलनाडु में ही होगी, है ना, याद है ना आपको कि ठंड के मौसम में जैसे हमारे यहाँ कब बारिश होती है, जून जुलाई के मौसम में बारिश होती है ना, जब गर्मी होती है उसके बाद, यस, साउथ वेस्ट मॉनसून कहते हैं इसको, लेकिन तमिलनाडु में ऐसा नहीं होता है, तमिलनाडु में जो है रिट्रीटिंग मॉनसून की बारिश होती है जिसको नॉर्थ ईस्ट मॉनसून कहते हैं, ये आपको पता है। साउथ वेस्ट मॉनसून का 2 ब्रांच है, अरेबियन ब्रांच है और बे ऑफ बंगाल ब्रांच है। भारत में ज्यादा बारिश जो है वो अरेबियन ब्रांच से होती है, MCQ में ऐसे सवाल भी आ जाते हैं। MSME प्रेरणा प्रोग्राम शुरू किया गया है, हम देख रहे हैं कभी कभी तुम लोग ना बहुत गलत आंसर दे देते हो, वो भी समूह में गलत आंसर देते हैं, एक साथ कॉन्फिडेंस के साथ लगातार, तो यहाँ पर प्रेरणा प्रोग्राम है और ये 10वां क्वेश्चन है आपका, और मैं चाहूंगी कि आप लोग अपने 10 क्वेश्चन के स्कोर बता दीजिए कि आपको कितने मिले, 10 में 10 होने चाहिए क्योंकि रिविजन सेशन है। हाँ, तो ये राजस्थान का है, इंडियन बैंक ने लॉन्च किया है,
एमएसएमई प्रेरणा, ताकि एंटरप्रेन्योर्स को यहाँ पर बिजनेस मॉनिटरिंग प्रोग्राम में डाला जा सके। नेक्स्ट सवाल है, हाँ अपने स्कोर बता दीजिए, 9 आया है, 8 आया है, 10 में 9, 9, 0 भी बोल रहे हो। लेखराज एक बच्चा है, पढ़ता है, 10 में 10 लाया है, और सही बात है, इसका सारा आंसर हम देखे हैं। किसी को 2 आया है, 5 आया है, 7 आया है, कोई बात नहीं, जो नए बच्चे हैं वो रेगुलर रहिएगा, रेगुलर रहिएगा ना तो आपका हो जाएगा काम, ठीक है। यस, तो धनु यात्रा जो है ये 11 दिन की फेस्टिवल होगी, और धनु यात्रा आपकी यहाँ पे होने वाली है उड़ीसा में, ठीक है, बाड़गढ़ में। तो नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पे SBI, ICICI और एक्सिस बैंक ने इशू किया है रुपए क्रेडिट कार्ड। अब आपने बताना है कि ये जो ओवर द UPI है ये, तो ये कब लॉन्च किया गया है, बाय इशूइंग ऑफ, मतलब ICICI बैंक, SBI बैंक, एक्सिस बैंक स्टार्ट करेगा रुपए क्रेडिट कार्ड देना कब से ओवर द UPI, तो ये करेंगे मार्च 2023 से, बिल्कुल सही बात है। मध्य प्रदेश सरकार ने बिल्ड किया है अटल बिहारी वाजपेयी जी का ग्रैंड मेमोरियल, तो ग्रैंड मेमोरियल मध्य प्रदेश सरकार ने कहां पर बिल्ड किया है अटल बिहारी वाजपेयी जी का, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का ग्रैंड मेमोरियल, जल्दी जल्दी बताओ यार, थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं, ग्वालियर में करने की बात चल रही है, तो ग्रैंड मेमोरियल यहाँ पे मध्य प्रदेश सरकार ने अटल बिहारी वाजपेयी का, यहाँ पे एक रिसर्च सेंटर का पार्ट रहेगा ये ग्रैंड मेमोरियल, ठीक है। इनके 98th बर्थडे पे, इनका बर्थडे होता है 25 दिसंबर को, सबको याद होगा, तो यहाँ पे इसको किया गया है। जॉर्ज कोहेन का निधन हो गया है, जॉर्ज कोहेन जी 83 ईयर्स के थे, ये किस स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड थे, जॉर्ज कोहेन किस स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड थे, इसको आपको बताना है जल्दी से कमेंट सेक्शन में। हाँ जी, तो ये एसोसिएटेड थे फुटबॉल से, बिल्कुल सही बात है, इंग्लैंड के ये थे और फुटबॉल से एसोसिएटेड थे, 83 ईयर्स के थे, इनका निधन हो गया। नेक्स्ट आप देखेंगे हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम ई-सुसूत्र, तो ई-सुसूत्र जो है इसका उद्घाटन किया गया है, और आपने बताना है ई-सुसूत्र का उद्घाटन किस स्टेट में किया गया है गाइज, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार या उड़ीसा, बच्चे बोल रहे हैं उत्तर प्रदेश, मैं अभी बोल रही हूँ उत्तर प्रदेश, सही आंसर है। और यहाँ पे इसके डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो है ब्रिजेश पाठक, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर मेडिकल एजुकेशन भी है, इनका नाम है मयंकेश्वर शरण सिंह, तो इन दोनों ने मिलके हॉस्पिटल मैनेजमेंट, यानी कि आपको हॉस्पिटल के बारे में जो भी जानकारी चाहिए तो आप ई सुसूत्र से प्राप्त कर सकते हैं। हसमुख आदिया को अपॉइंट किया गया है चीफ एडवाइजर, तो कौन से मंत्री हैं जिन्होंने इनको अपना चीफ एडवाइजर अपॉइंट किया गया है, क्या ये पिनराई विजयन है या भूपेंद्र पटेल है, ममता बनर्जी है या केजरीवाल है, आंसर भूपेंद्र पटेल है, बिल्कुल आप लोगों को याद होगा कि गोवा के चीफ मिनिस्टर है, इन्होंने हसमुख आदिया को चीफ एडवाइजर के रूप में अभी नियुक्त किया है। इंडिया ने स्टार्ट किया है नेगोशिएशन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का, तो आप बताइए जल्दी से कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का जो नेगोशिएशन शुरू किया गया है भारत द्वारा, ये किस नेबरिंग कंट्री के साथ किया गया है, तो बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं बांग्लादेश, आंसर भी बांग्लादेश है, जो नेपाल बता रहा है देख लो एकदम ध्यान से कि आंसर बांग्लादेश है, दो वे का कॉमर्स और इन्वेस्टमेंट को शुरू करने के लिए 22 दिसंबर को हम लोगों ने अब नया चीज शुरू किया है, नेपाल के साथ पहले से है, तो यहाँ पे स्टार्ट नेगोशिएशन ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमने शुरू किया है। नेक्स्ट आप देखेंगे व्हाट इज द नेम ऑफ गूगल सर्च ड्रिवन एजुकेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च बाय HDFC, तो HDFC सिक्योरिटीज ने गूगल ड्रिवन सर्च प्लेटफॉर्म जो कि एजुकेशन प्लेटफॉर्म होगा, कोई भी आपको फाइनेंस से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो आप रूट्स के माध्यम से ले सकते हैं, राइट। नेक्स्ट सवाल है कि ऑल इंडिया प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ऑयल ऑफिसर एसोसिएशन, ऑल इंडिया प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ऑयल एसोसिएशन, ऑयल ऑफिसर एसोसिएशन, तो ऑल इंडिया के प्रेसिडेंट किसको बनाया गया है, संजय सिंह को बनाया गया है। सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे, देना आंसर जरूरी है, वरना आप कैसे पार्टिसिपेट करेंगे, सरकार इतना पैसा खर्च कर रहा है आपके पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए, आप बात ही नहीं मान रहे, चलिए पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी है, आंसर सही गलत से मतलब नहीं होता है, पहले तुम प्रोसेस में तो आओ, सही तो हम करवा ही देंगे,
तुम पहले प्रोसेस में तो आओ. ठीक है, लोकायुक्त बिल 2022, ये विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू पास द लोकायुक्त बिल. तो लोकायुक्त, देखिए सेंटर में क्या होता है लोकपाल होता है और स्टेट में क्या होता है लोकायुक्त होता है. तो 2022 में सबसे पहले महाराष्ट्र ने लोकायुक्त बिल को पास किया था. ठीक है, यानी कि एक ऑम्बड्समैन रहेंगे जो एंटी करप्शन के बारे में देखेंगे और ये महाराष्ट्र पहला ऐसा स्टेट है. 10 क्वेश्चन फिर से हो गए हमारे, तो आप जल्दी से बताओ 10 क्वेश्चन में कितने स्कोर आया है, कितना कितना तुम लोग मार्क्स लाए हो. नाक कटाने का पूरा प्रबंध हो गया है. इसके पहले 10 क्वेश्चन के मार्क्स तो हमने देख लिए थे. लेखराज को 10 में 10 आया है, मोहित को 9 आया है, विकास को 7 आया है, श्रुति को आया है कितना 7 आया, श्रेय को 9, निधि को 10, वेरी गुड वेरी गुड. हिमांशु कुमावत को 6 आया है, तो पिटाएगा एकदम, सबका कान पकड़ के लटका देना चाहिए. चलिए अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एकदम गलती मत कीजिएगा, ये छोटा वाला सेट बनाएंगे. ठीक है, श्रीलंका हैज एंड विच कंट्री हैज अग्रीड टू यूज इंडियन रुपी फॉर इंटरनेशनल ट्रेड. श्रीलंका और कौन सा देश था, रशिया था, बिल्कुल याद है आप लोगों को, गुड. श्रीलंका और कौन सा, रशिया ने कहा था कि इंडियन रुपी को यूज करेंगे. खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 कहां पे विल बी हेल्ड इन विच स्टेट, कहां पे होगा खेलो इंडिया 2022, यस कहां हुआ, मध्य प्रदेश में. मध्य प्रदेश विल होस्ट 5th खेलो इंडिया गेम्स 2022, ये 31 जनवरी से लेकर 11 फरवरी 2023 में होगा. और ये अनुराग सिंह ठाकुर जो हमारे यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मंत्री हैं, इन्होंने कहा है. विच कॉन्स्टिट्यूएंसी, कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी निर्वाचन क्षेत्र, भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बना है. अच्छा देखो ये 2 क्वेश्चन का सेट था, 2 क्वेश्चन में कितना मार्क्स आया है, बोले थे ना छोटा सेट बनाएंगे, तुम लोगों को लगा 5 क्वेश्चन का है, 2 क्वेश्चन के सेट में कितना, इस दोनों में भी गलती हुआ है, इस दोनों में तो नहीं हुआ होगा गलती, 2 में 2 आ गया ना, 2 में भी 1 आया है, अब हम कुछ नहीं कह सकते. चलिए निर्वाचन क्षेत्र, एकदम 50% मार्जिन पे चलना, ठीक है उससे ऊपर नहीं उठना. निर्वाचन क्षेत्र हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट कंप्लीट लाइब्रेरी. तो निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, ये धर्मधाम इसका नाम है, केरला में है, ये पूरी तरह से फर्स्ट लाइब्रेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी बन चुका है, धर्मधाम इसका नाम है. न्यू प्राइम मिनिस्टर नेपाल के, इनका नाम बताइए तो जरा, बगल का देश है एकदम, रोटी बेटी का रिश्ता है नेपाल से. अच्छा नेपाल को फ्रंटियर नहीं कहते हैं, बफर कहते हैं. 2 वर्ड सुनिएगा जियोपॉलिटिक्स में, एक होता है फ्रंटियर, है ना, फ्रंटियर कि इन दोनों देश के बीच में ये फ्रंटियर, फ्रंटियर, और एक होता है बफर. तो दोनों में क्या अंतर होगा, देखिए बफर जो है, बफर एक पॉलिटिकल कंसेप्ट है, पॉलिटिकल कंसेप्ट है, और फ्रंटियर जो है ये एक ज्योग्राफिकल कंसेप्ट है. यानी कि जैसे अगर इंडिया और पाकिस्तान को ले लो, तो कहीं पे बड़ा बड़ा पहाड़ होगा, कहीं नदी होगा, कहीं कुछ होगा, कहीं कुछ होगा. तो अभी क्या हुआ है, इस एरिया को डिमार्केट नहीं किया गया है. तो बोलिएगा कि हिमालय जो है चाइना और इंडिया के बीच में फ्रंटियर का काम करता है ना. और अगर आप नेपाल को देखिएगा तो ये क्या है, ये एक देश है प्रॉपर. तो ऐसा तो नहीं है कि कभी जाके इंडिया जो है नेपाल पे अपना बॉर्डर लगा देगा, इंडिया का बॉर्डर ये है और चाइना का बॉर्डर ये है. तो इंडिया यहाँ है और चाइना यहाँ है, तो दोनों के बीच में ये नेपाल क्या है, बफर स्टेट है. बफर जो है ये हमेशा रहेगा, ऐसा तो नहीं है कि कभी बफर जो है खत्म कर दिया जाएगा. फ्रंटियर को फिर भी खत्म किया जा सकता है, क्योंकि क्या पता कि आज जाके पहाड़ पे नहीं बॉर्डर है, कल को पहाड़ पे बॉर्डर बना देगा, है ना. तो ये फ्रंटियर और बफर के बीच में डिफरेंस होता है. नेपाल एक बफर स्टेट है हमारे लिए, कल को हो सकता है कि हम मंगोलिया को डिक्लेयर कर दिया जाए कि भाई मंगोलिया भी बफर स्टेट है, राइट. तो यहाँ पे देखिए पुष्प कमल धल इनका नाम है, और प्रचंड, ये प्रचंडा कहते हैं, नेपाल में ये प्राइम मिनिस्टर बने. तुमको पता है यूक्रेन में जो वॉर हुआ है, इसका भी मेन कारण ये बफर का कंसेप्ट ही है. रशिया जो है उसके नीचे यूक्रेन है, और उसके नीचे जो देश है वो नाटो के देश है, नॉर्थ अलायंस ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि यूएसए के एलीज है.
तो यूएसए यहां तक तो अपना सेना भेज सकता था, क्यों? क्योंकि बाकी देश उन्हीं के एलिज है, लेकिन यूक्रेन तक नहीं भेज सकता था। यूक्रेन बोला हमको भी नाटो का पार्ट बनना है। तो अब क्या हो सकता था कि अमेरिका जो है अब यहां तक अपना सेना भेज सकता था, समझ रहे हो? तो अब ये रशिया के एकदम फ्रंटीरियर पे आ जाता है, रशिया के बॉर्डर पे आ जाता है। इसीलिए रशिया बोला कि हमको अपना बफर स्टेट नहीं छोड़ना है, मेरा बफर स्टेट तो है ही यहां पे बना हुआ, समझ रहे हो गाइस? तो इसीलिए भी वॉर का एक ये भी कारण है। चलिए नेक्स्ट आप देखेंगे, हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एमडी एंड सीईओ ऑफ इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी और सीईओ क्या है? क्या अरे दीदी कहां से पढ़ू? हेमंत तो पूछ रहे हैं कहां से पढ़िए, यहां पे रेगुलर रहिए ना, ठीक है? मैं जो एसएससी जेई में पढ़ाया वही आएगा, हाँ बिल्कुल वही आएगा, बिल्कुल वही आएगा। वर्ल्ड ब्रेले डे क्या होता है? ब्रेले डे का मतलब होता है कि जिनको जो देख नहीं सकते हैं वो एक ऐसा स्क्रिप्ट पढ़ते हैं जो कि डॉट से बना होता है स्क्रिप्ट, तो उनको पढ़ने में आसानी होती है, टच करके वो पढ़ते हैं, ठीक है? चलिए तो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक पीएन वासुदेवन एमडी एंड सीईओ बने हैं इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के। तो ये पीएन वासुदेवन है। इंडियन रिचर्ड वर्मा ये इलेक्ट हुए हैं टॉप डिप्लोमैट पोजीशन पे। तो ये आप बताइएगा कि इंडियन ओरिजिन के जो रिचर्ड वर्मा है ये कहां पे इलेक्ट हुए हैं? ये अमेरिका में इलेक्ट हुए हैं, ठीक है? टॉप पोजीशन पे आ गए हैं, रिचर्ड वर्मा इनका नाम है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ रिवैम्प्ड प्रोबिटी पोर्टल EHRMS 2.0। रिवैम्प्ड, तो रिवैम्प में जितेंद्र सिंह को बनाया गया है, ठीक है? जितेंद्र सिंह को बनाया गया है। खेलो इंडिया डैशबोर्ड ये लॉन्च किया गया है, ये लॉन्च किया गया है, आप बताइएगा कि किसके द्वारा, है ना? ठीक है, हां जी, तो ये डाला गया है अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा, क्योंकि ये स्पोर्ट्स मंत्री है। सबका कमेंट हम देख रहे हैं, लेकिन आप लोग स्पैम मत कीजिए, ठीक है? कमेंट सबका देखा जा रहा है। नेक्स्ट सवाल है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने अप्रूव किया है 4 मिलियन का लोन। तो ये कौन से बैंक का है? ये एचडीएफसी लिमिटेड बैंक का है। नेक्स्ट आप देखेंगे, स्वाति सिंह इनको ऑनर किया गया है 38 एकलव्य पुरस्कार इन 2022। ये कहां से है स्वाति सिंह? स्वाति सिंह इनका नाम है। स्वाति सिंह जो है वो ओडिशा से हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल बलून फेस्टिवल, ये आप बताइए ये किस स्टेट में होने वाला है इंटरनेशनल बलून फेस्टिवल गाइस? यस, तो ये होने वाला है तमिलनाडु। 8th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल बलून फेस्टिवल, ये किस स्टेट का है? ये तमिलनाडु का है। वेरी गुड एवरीवन। अपग्रेडेड इनर लाइन परमिट सिस्टम का पोर्टल है ये लॉन्च हुआ है। इन विच स्टेट? इनर लाइन पोर्टल तो ये मणिपुर में हुआ है। इनर लाइन परमिट सिस्टम ये कहां का है? मणिपुर का है, है ना? वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास में बहुत लेट आए हो यार, आधा घंटा का क्लास हो चुका है, 30 मिनट्स का क्लास हो चुका है। चलिए तो 10 क्वेश्चन हो गए हमारे यहाँ पे, और आपको बताना है कि आपका स्कोर कितना है। अभी तक हमने 30 मिनट्स में 32 क्वेश्चंस कर दिए हैं। ठीक है, 10 में 10 है, नाइस। अगला है, स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर ने इनॉग्रेट किया स्पोर्ट्स साइंस सेंटर। तो अब आप बताओ स्पोर्ट्स साइंस सेंटर कहां पे बनने वाला है? ठीक है, स्पोर्ट्स साइंस सेंटर ये होगा कर्नाटका में बनेगा, ठीक है? उडुपी कर्नाटका में। नेक्स्ट आप देखेंगे, हु हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट ड्रोन कंपनी टू गेट डबल सर्टिफिकेशन बाय डीजीसीए द्वारा प्रमाणित जो है डबल सर्टिफिकेशन कौन से स्पोर्ट्स कंपनी को मिला है? ड्रोन कंपनी को मिला है। तो ये ड्रोन कंपनी है गरुड एरोस्पेस।
गरुड एरोस्पेस को मिला है, यूनेस्को वर्ल्ड एकेडमी ऑफ साइंस TWAS, यूनेस्को वर्ल्ड एकेडमी ऑफ साइंस जो है इसमें आपको किसको फेलोशिप ऑनर किया गया है? आंसर बड़ा सुस्त तरीके से दे दो, फटाफट आंसर नहीं दे रहे ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपका हाँ। तो यहां पे आप देखेंगे कंचूरा गोपाल एस रंगपा। गाइज आप लोग स्पैम मत क्या कीजिए, मैं कमेंट सबका देख रही हूं, ठीक है? जो भी रेलेवेंट होगा आई विल रिप्लाई, जो इररेलेवेंट है वी व्हाई वी विल डिस्कस एंड वेस्ट समवन एल्सस टाइम, है ना? ठीक है, नींद नहीं आनी चाहिए। हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए लोसार फेस्टिवल, ये लद्दाखी न्यू ईयर को मनाते हैं। लोसार फेस्टिवल किस दिन मनाते हैं? तो लद्दाख में न्यू ईयर इस दिन से शुरू हो जाता है, ये 24 दिसंबर से लद्दाख में न्यू ईयर शुरू हो जाता है। एक सोशल रिलीजियस फेस्टिवल है, विंटर सीजन में होता है और यहाँ पर जो है 9 दिन के लिए इसको मनाया जाता है। भगवान और भगवान की पूजा की जाती है, माउंट कैलाश में यहाँ पे मनाया जाता है। वीर बाल दिवस हम लोग कब मनाते हैं? वीर बाल दिवस कुमार मनीष, मैं बिल्कुल आपका भी मैसेज देख रही हूं, ठीक है। 26 दिसंबर को गुरु गोविंद जी के 4 बेटे थे, इनको हम ऑनर करने के लिए वीर बाल दिवस, है ना, साहिबजादा कहते थे इनको, इनको मनाया जाता है। और आप जानते हैं साहिबजादा जोरावर सिंह जो 6 साल के थे, साहिबजादा फतेह सिंह जो 9 साल के थे, इनको हम याद करते हैं। नेक्स्ट, तो ये 5 क्वेश्चन का हमारा सेट था, 5 क्वेश्चन में आपका कितना आया स्कोर ये बता दीजिएगा एक बार जरा। अभी तक हम लोगों ने 10 क्वेश्चन के सेट बना लिए, 2 और 2 क्वेश्चन का भी एक सेट बनाया था छोटा सा हमने, है ना, और 5 क्वेश्चन का भी एक सेट बना लिया है, ठीक है गाइज। तो इस 5 क्वेश्चन के सेट में अपना स्कोर बता दीजिएगा, 5 में 5 आया है, 1 गलत हो गया है, 4 आया है, 6 भी आया है, 5 में 6 आया तुमको, हाँ ठीक है, ओके ओके। आई कैन सी ऑल द मैसेजेस, सबका स्कोर दिख रहा है मुझे, ऑल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट सेट हम शुरू करते हैं। नीलगिरी तहर, देखिए एक कल वाला क्वेश्चन है, गलती मत कीजिएगा प्लीज इसमें। नीलगिरी तहर जो है ये कहाँ पे, किस स्टेट में इसको कमेंस किया गया इस प्रोजेक्ट को? 5 में 5 आ गया है, ठीक है। अभी ये 10 वाले में सबको 10 में 10 कर लीजिएगा। तो ये देखिए तमिलनाडु है, तमिलनाडु नीलगिरी तहर जो है यहाँ पे किया जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे भारत का 2nd longest केबल स्टेड 8 lane जुआरी ब्रिज, जुआरी ब्रिज जो है ये कहाँ पे खोला गया है? जुआरी ब्रिज तो ये गोवा में हुआ है, ठीक है, गोवा में। नेक्स्ट आप देखेंगे पोर्तुगल फुटबॉल टीम कैप्टन क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस क्लब को ज्वाइन करने वाले हैं? अल नसर को ज्वाइन करने वाले हैं, बिल्कुल सही बात है। तो अल नसर को थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं इस सेट में, ठीक है। कौन सा स्टेट जो है विमेन्स टीम हैज वन खेलो इंडिया यूथ गेम? कल हमने विमेन और मेन टीम दोनों डिस्कस किया हुआ है, तो ये मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, या हरियाणा है, या झारखंड है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हरियाणा, गलत आंसर, फिर गलत आंसर, मध्य प्रदेश नहीं है, हरियाणा है, हरियाणा। मेन में बताइए, मेन में किसने जीता है खेलो इंडिया यूथ गेम्स मेन टाइटल, किसने जीता है 2022 का? तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? यहां आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, और दोनों कहां हुआ है? उड़ीसा में हुआ है, उड़ीसा में हुआ है, ठीक है। तो ये उड़ीसा में हुआ है, इसको आप याद रखिएगा। देखिए यूथ गेम्स हुआ है, ठीक है, खेलो इंडिया गेम्स अलग है, खेलो इंडिया यूथ गेम अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट एवर सिल्वर मेडल इन FIDE वर्ल्ड ब्लिज चेस चैंपियनशिप, तो पहले इंडियन कौन बन चुकी है, इनका नाम क्या है? हम देख रहे हैं, अगर एक भी स्टूडेंट सही आंसर दे रहा है तो हम आंसर बता रहे हैं, बिल्कुल कुनेरू हम्पी इनका नाम है, कुनेरू हम्पी। हु हैज टेकन ओवर डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, BSF के डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? BSF के डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं, इसको आप बता दीजिए जल्दी से कमेंट सेक्शन में। सुजाय लाल थियोसन बने हैं। गाइज हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द सेशन। बहुत सारे बच्चे अभी ज्वाइन किए हैं,
तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे रिविजन कर रहे हैं, है ना, हम लोग कल और परसों का रिविजन कर रहे हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि इतना जल्दी जल्दी क्वेश्चन बता रहे, बच्चे भी जल्दी जल्दी आंसर दे रहे हैं, हो क्या रहा है, तो बेसिकली हम लोग यहाँ रिविजन कर रहे हैं। आप रेगुलर रहिएगा तो आप भी रिविजन कर पाएंगे, है ना। पहले पढ़ना पड़ता है रिविजन करने के लिए। जो 3 तारीख का सेशन देखा है, 2 तारीख का सेशन देखा है, उसको ही 4 तारीख के सेशन में मजा आएगा। कल मैंने बोला था एमडी एंड सीईओ ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के एमडी और सीईओ कौन बने हैं, इनका नाम है सुंदर रमन रामामूर्ति। सुंदर रमन रामामूर्ति ये एमडी एंड सीईओ बने हैं। अजय कुमार श्रीवास्तव हैज बीन टेकन ओवर द एमडी एंड सीईओ। अजय कुमार श्रीवास्तव किस बैंक के एमडी एंड सीईओ बने हैं, तो ये ओवरसीज बैंक के, इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी और सीईओ बने हैं। चाइना के फॉरेन मिनिस्टर का नाम बताते हुए अपना स्कोर बताइए कितना आया। इसका इनका नाम तो याद ही होगा, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं, न्यू फॉरेन मिनिस्टर बने हैं। अगर आप सुनते हैं कि हमारे देश से एस जयशंकर दूसरे देश जाते हैं तो न्यूज में आता है वो हमारे फॉरेन मिनिस्टर है, मोदी जी भी चले जाते हैं। चाइना के फॉरेन मिनिस्टर का नाम है किंग यान, ठीक है। तो किंग यान 56 ईयर्स के हैं, कंट्री के न्यू फॉरेन मिनिस्टर हैं। और ये हो गए आपके 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चों का आंसर मार्क्स आया है 9, और सुनील का आया है आंसर मार्क्स 10 में 10। ठीक है, ठीक है, हाँ बिल्कुल, हम देख रहे हैं, ठीक गाइज, वेरी गुड। 10 में 10 भी आर्यन को आया है, 10 में 10, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। 8 भी आया है, 9 भी आया है, 10 भी आया है। चलो अभी एक सेट, कल वाला सेट है, अच्छे से बनाना, 10 में 10 लाना, ठीक है। तो AERB एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड के चेयरमैन कौन बने हैं, जल्दी से बताओ यार। एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड के चेयरमैन का नाम क्या है, टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टाइम इज अप, ठीक है। दिनेश कुमार शुक्ला जो है AERB एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड के चेयरमैन बने। अमित शाह जी ने फाउंडेशन स्टोन रखा है, शिलान्यास किया है। तो सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, तो तुमको डिटेक्टिव बनना है, जासूस बनना है, करमचंद्र। एक और आता था DON, डॉन, डॉक्टर ओमकार नाथ, है ना, डॉन। तो ये है कर्नाटका में, ठीक है, कर्नाटका के देवनहल्ली में ये डिटेक्टिव सेंटर बना है। देखिए करने के लिए लाइफ में बहुत कुछ है, इंटरेस्टिंग सुनने में लगता है ना, डिटेक्टिव सेंटर। हु हैज लॉन्च उत्कर्ष 2.0 फॉर अ पीरियड ऑफ 2023-25। उत्कर्ष में क्या होगा, उत्कर्ष में बेसिकली बैंक से रिलेटेड ये चीज है, ठीक है। तो सेकेंड फेज शुरू हुआ है ताकि बैंक के रेगुलेशंस को स्ट्रॉन्ग किया जा सके। ये किसने किया है, शक्तिकांत दास ने किया है। नेक्स्ट आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में कमिश्नरेट बना है नोएडा में, और उसमें कमिश्नर बनी है, और वो फर्स्ट पुलिस कमिश्नर है, फर्स्ट वुमेन पुलिस कमिश्नर है, इनका नाम क्या है, लक्ष्मी सिंह है, राइट, लक्ष्मी सिंह। नेक्स्ट आप देखेंगे हु हैज लॉन्च द ड्राफ्ट गाइडलाइंस फॉर न्यू बैंकिंग रेगुलेटरी सिस्टम ऑफ सिटी बेस्ड ऑन फाइनेंस एंड ब्यूटी। तो फाइनेंस के साथ साथ सिटी में क्या होगा, सुंदरता भी रहेगा, ब्यूटी रहेगा, सुंदर जगह रहेगा, तो लोग ज्यादा आएंगे, टूरिज्म बढ़ेगा। तो ये हरदीप सिंह पुरी ने किया है। नेक्स्ट आप देखेंगे इंडियन ऑयल हैज अनाउंस टीबी इराडिक्शन प्रोजेक्ट। तो इंडियन ऑयल टीबी को इराडिक्ट करने की बात कर रहा है, पूरी तरह से समाप्त करने की बात कर रहा है। तो ये इंडियन ऑयल जो है इराडिक्शन प्रोग्राम, ये कहां पे स्टार्ट हुआ है, कहां स्टार्ट हुआ है, देखो न्यू ईयर आ चुका है गाइज, और न्यू ईयर में न्यू रिजोल्यूशन आपने ले लिया होगा, और ज्यादातर बच्चे जो है उन्होंने यही रिजोल्यूशन लिया होगा कि मुझे शादी करनी है। अरे नहीं, कि बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे थे कि आपको इस साल जॉब लेना ही लेना है, है ना। तो न्यू ईयर का रिजोल्यूशन को आप कंप्लीट कीजिए, जहां पे भी आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें इनरोल करो, और बहुत ही सीरियसली पढ़ाई शुरू कर दीजिए। कल CDS का बैच शुरू हो चुका है ना, मेरे सारे बैचेस जो है SSC, JEE और इंजीनियरिंग एग्जाम में 9 तारीख से शुरू हो जाएंगे मेरे सारे जो क्लासेस है, बाकी क्लासेस ऑलरेडी चल रहे हैं। तो इस साल जल्दी से इनरोल कर लो अपने आप को और पढ़ाई शुरू कर दो। कोड तो पता ही है, Y332 कोड है, इसको आप यूज करके एनरोल कर लीजिए, ठीक है। तो ये उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, इसका आंसर हो जाएगा CEO of FSSAI।
So who has taken over the charge as CEO of FSSAI? FSSAI के CEO कौन बने हैं? इनका नाम है कमला वर्धन राव. ठीक है. अच्छा हाँ, गेट में अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए तो देखिए, गेट में स्कॉलरशिप में 50,000 रुपए तक मिल रहा है स्टूडेंट्स को. इसमें आप एनरोल कर लीजिए, ये तो बिल्कुल फ्री का है. एक एग्जाम दीजिएगा, स्कॉलरशिप मिल जाएगा और कैश प्राइज मिलेगा. ठीक है, टॉप थ्री को. यस, नेक्स्ट आप देखेंगे टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को री अपॉइंट किया गया है, मतलब अपॉइंट किया गया है. ये इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में, ये महाराष्ट्र में बनाए गए हैं. थोड़ा सा स्पीड रहेगा इस वाले में. और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने निवास शुरू किया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन. तो निवास इनके नाम पे शुरू किया गया है. ये हुआ है वेस्ट बंगाल में, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, है ना, मुखर्जी से आप बता दीजिएगा वेस्ट बंगाल है. इलेक्शन कमीशन ने वोटिंग मशीन को रिमोट इलेक्ट्रॉनिक बना दिया है, ताकि दूसरे जो स्टेट या देश के दूसरे हिस्से में कोई भी कहीं पे भी है तो भी वो वोट कर सके. तो ये किसके लिए है? जो माइग्रेंट है, जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, उनके लिए किया गया है. ठीक है, 10 क्वेश्चन हो गए मेरे, जल्दी से अपना स्कोर बता दो यार. गाइस देखो, हम क्यों स्कोर पूछते हैं, उसका क्या कारण है? उसका कारण यह है कि आप अपने अंदर थोड़ा इवैल्यूएशन का भी आदत डालिए, कि हम जो भी करते हैं क्या हम उसको इवैल्यूएट करते हैं, कि ऐसे ही बस किए जा रहे हैं, पता ही नहीं है सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं. अपने आप को इवैल्यूएट करिए, इसका आदत होना चाहिए. ठीक है, हाँ, हर बार रुक के देखो, पढ़ रहे हो, हमको भी पता है, बहुत पढ़ते हो, बहुत मेहनत करते हो, जितना पढ़ते हो उतना आदमी कलेक्टर बन जाएगा. लेकिन बार बार आप अपने आप का टेस्ट लिया कीजिए, बार बार अपना स्कोर देखा कीजिए कि स्कोर में इम्प्रूवमेंट हुआ है कि नहीं. ये सब जरूरी चीज है, क्योंकि इसी से आपका स्कोर बढ़ता है ना. ऐसा बैठ के पढ़ते पढ़ते विद्वान थोड़ी होना है. चलिए, कोल मिनिस्टर प्रहलाद जोशी ने 300 करोड़ रुपए का रेल लाइन बनाया है. कहां पे? ओडिशा में बनाया है. हाँ, टुडे यू आर लेट, आई नो. ठीक है, तो यहां पे आप देखिए, वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट इन आरटीआई, एकदम राइट टू इंफॉर्मेशन, एकदम जानकारी नहीं देता है, गलत बात है. तो ये तमिलनाडु है, सेकंड पे महाराष्ट्र है. ओके, नेक्स्ट आप देखेंगे, REC लिमिटेड ने बिजली उत्सव मनाया है. बिजली उत्सव कहां पे मनाया गया? असम में मनाया गया है, बिल्कुल सही बात है. हंगरी सबसे ज्यादा भूखा कौन सा देश है? बच्चे यहाँ पे भूखे हैं, आप लोग भी जल्दी ऑफिसर बनिए, है ना. भारत में जो भी बच्चे भूखे हैं या जिनको भी अंडर प्रिविलेज है, उनको कोशिश कीजिए, मदद कीजिए, और मेरा भी थोड़ा सा मदद कर दीजिए. सेशन को लाइक करके यहीं से शुरुआत कीजिए. हाँ ठीक है, तो ये अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान ने बनाया है. फर्स्ट मुस्लिम टीचर फातिमा शेख फर्स्ट मुस्लिम टीचर है. विच स्टेट गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस अ लेसन इनके बारे में? तो ये है आंध्र प्रदेश ने इनके बारे में लेसन किया है. पांच क्वेश्चन का सेट था ये, जल्दी से बताओ पांच क्वेश्चन में कितना सही हुआ है ना, पांच में पांच. भूल जाते हो यार, आंध्र प्रदेश था ना, उत्तर प्रदेश ऑप्शन में भी नहीं है, तो उत्तर प्रदेश कैसा होगा. ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे, बेंजामिन नेतन्याहू अभी देखो, कभी परसों का ही बात है कि इजराइल ने सीरिया पे अटैक कर दिया, तो इजराइल और सीरिया का चलते रहता है ना. बेंजामिन नेतन्याहू कहां पे बने हैं? इजराइल में बने हैं, बिल्कुल सही बात है, हम लोग को पता है. पट पट टिक करो क्वेश्चन को, इतना आप टाइम वेस्ट नहीं करना है. अब सबका आंसर हम लोगों को पता है. प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनॉग्रेट किया रेलवे प्रोजेक्ट 5,800 करोड़ का, कहां पे किया गया है? वेस्ट बंगाल में किया गया है, सही बात है. ठीक है, वेस्ट बंगाल में जोखा ताराताल में इसको किया गया है. नेक्स्ट आप देखेंगे, यूनियन मिनिस्टर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जुआड़ी पुल का उद्घाटन किया है. जुआड़ी पुल बता चुके हैं कल भी, मांडोवी, ये सब कहां पे है? ये सब गोवा में है. फटफट टिक करके आंसर बता देना है. फिर यूएन के कोऑर्डिनेटर ब्लैक सी के क्यों कोऑर्डिनेटर बनाना पड़ रहा है? क्योंकि यूक्रेन और रशिया में वॉर चल रहा है. तो जितना भी भाई तुम लोग को वॉर करना है करो, लेकिन रशिया से पूरे दुनिया में ऑयल जाता है उसको दे दीजिए, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, यूक्रेन से ग्रेन्स जाता है उसको दे दीजिए. तो अब्दुल समाद
दस्ती को बनाया गया है यहाँ पे कोऑर्डिनेटर। हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग, प्लीज सेशन को लाइक कर दो और जल्दी से सेशन में आंसर दो, आंसर देना जरूरी है। वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप 2022 किसने जीता है? मैग्नस कार्लसन ने जीता है, फोर्थ टाइम इन्होंने ये टाइटल जीता है। ये वही मैग्नस कार्लसन है जिनको आर प्रज्ञानंद ने हराया था। द्रौपदी मुर्मू ने प्रसाद स्कीम को लॉन्च किया है कि जो भी तीर्थ स्थल जाने वाले यात्री हैं उनको वहां पे तीर्थ स्थान में दिक्कत ना हो, तो ये तेलंगाना में किया गया है। पिलग्रिमेज रेजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव प्रसाद का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट आप देखेंगे 367 करोड़ रुपए फॉर विमेन, फॉर एम्पावरमेंट ऑफ विमेन इन एग्रीकल्चर, शक्तिकरण कहां पे? कृषि में। तो इसके लिए इतना पैसा कौन सा स्टेट खर्च कर रहा है? ओडिशा खर्च कर रहा है, बिल्कुल सही बात है। सेक्रेटेरिएट फॉर साइंस, तो G20 की मीटिंग चल रही है 2023 में कहां पे? भारत में। और भारत जो है वो अभी प्रेसिडेंट भी था, है ना, दिसंबर तक हम लोग थे, दिसंबर 2022 तक प्रेसिडेंट यूएनएससी के। तो भारत ने क्या किया है, यूएनएससी में भी बोला है, है ना, तो आईआईएससी में ये साइंस की मीटिंग चल रही है। फुटबॉल लेजेंड पेले का निधन हो चुका है 82 इयर्स में। पेले कहाँ के थे? पेले थे ब्राजील के, बिल्कुल सही है, ये तो सबका सही है। होम मिनिस्टर अमित शाह ने प्रहारी ऐप को शुरू किया है, मोबाइल ऐप प्रहारी जो है प्रहार करेगा। कहां, किसके लिए शुरू किया गया है? इंडियन आर्मी के लिए, सीआरपीएफ के लिए, सीआईएसएफ के लिए, बीएसएफ के लिए? यस, हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जल्दी आंसर बताओ। तो ये देखिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लिए इसको शुरू किया गया है, ठीक है। और ये क्या करेगा, मैनुअल ऐप है, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए उसके लिए है। आयुष्मान सीएपीएफ है ना, यहाँ पे इसको शुरू किया गया है। तो 10 क्वेश्चन हो चुके हैं, जल्दी से बता दो अपना स्कोर, लास्ट एक सेट बनाते हैं फिर तुम लोगों को छुट्टी दे देते हैं आज का। एकदम पाठशाला की तरह बच्चा लोग पढ़ता है, यहाँ पे जबरदस्ती जैसे नहीं बोला जाता कि आंसर दो दो दो, आंसर दो आंसर दो, वैसे ठीक है। 10 10 में अपना स्कोर बता दीजिएगा। हाँ जी, देख रही हूं मैं सबका, 8 9 तुम लोग बढ़ना नहीं 8 9 से, 10 में 10 भी आया है कुछ लोगों को। देखो 10 में 10 क्यों बोलते हैं कि मान लो अभी यहाँ पे 10 में 10 आया, फिर 10 में 10 हर जगह आ रहा है, फिर तुम लोग धीरे धीरे 20 का सेट बनाओगे, फिर 30 का बनवाएंगे, फिर 50 का बनवाएंगे, है ना। तो आपका सेट में जो है इंप्रूवमेंट बढ़ते जाएगा, तो कॉन्फिडेंस आता जाएगा, ठीक है। चलिए, बांग्लादेश में मेट्रो रेल शुरू हुआ है, ढाका में शुरू हुआ है। बांग्लादेश की पीएम का नाम क्या है? शेख हसीना है। ढाका का, बांग्लादेश का कैपिटल ढाका, और बांग्लादेश का जो करेंसी है वो है टाका। निजात स्कीम शुरू किया गया है, IACP अवार्ड 2022, ये छत्तीसगढ़ ने इसको शुरू किया है, निजात स्कीम। फिर देखेंगे वार्टन QS रीइमेजिन एजुकेशन अवार्ड 2022 किस IIT ने जीता है? रीइमेजिन IIT मद्रास ने जीता है। नेक्स्ट आप देखेंगे कौन से इंडियन को ICC इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर के अवार्ड के नॉमिनी लिस्ट में डाला गया है? प्लेयर का नाम है अर्शदीप सिंह, ठीक है। नेक्स्ट आप देखें CVC सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, बहुत फास्ट हो रहा है क्या? फास्ट तो नहीं है ना, स्पीड ठीक है ना गाइस? गुड मॉर्निंग, आंसर दो, ठीक है, फास्ट नहीं है, ठीक है। तो CVC में डाला गया है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को। नेक्स्ट आप देखेंगे रायतु बंधु फार्मर्स के लिए किस केंद्र सरकार ने किया है? रायतु बंधु, ये बताओ यार। तो ये 10th फेज ऑफ रायतु बंधु स्कीम जो है ये तेलंगाना में किया गया है, तेलंगाना। यूनियन मिनिस्टर आरके सिंह ने अनाउंस किया है वर्ल्ड क्लास केकिंग एकेडमी, ये कहां पे? तो ये उत्तराखंड में किया गया है केकिंग एकेडमी। स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन शुरू किया गया है, स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन। तो ये कैंपेन शुरू करने वाले कौन है? मंत्री है अश्विनी वैष्णव, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ये मंत्री हैं। रोड एक्सीडेंट बढ़ चुका है 8.1% तक, रोड एक्सीडेंट जो है वो बढ़ चुका है। क्रिकेटर फरहान बहरदीन जो है ये रिटायर हो चुके हैं, कहां से है? ये साउथ अफ्रीका से,
ज्यादा फास्ट तो नहीं हो गया? ठीक है, अब इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दीजिएगा कहां पे? कमेंट सेक्शन में। मजा आया क्लास में? मजा आया ना? मजा आना चाहिए गाइज। ठीक है, अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं, तुम लोग एकदम मान नहीं रहे हो। पढ़ाई शुरू कर दो यार, न्यू ईयर आ चुका है ना। सीडीएस की क्लासेस शुरू हो चुकी है, बहुत ही कंसेप्चुअल क्लासेस है, और कल हमारी ज्योग्राफी की फर्स्ट क्लास हुई थी, आज ज्योग्राफी की सेकेंड क्लास है। एक भी क्लास को मिस मत करो, है ना। वो ऐसा तो रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगा, लेकिन रिकॉर्डेड क्लास में टाइम लगता है, तो इसीलिए आप लोग जल्दी से एनरोल कर लीजिए। जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं इंजीनियरिंग, डिफेंस या अन्य किसी एग्जाम की, वो जल्दी से अड्डा 24/7 के साथ जुड़ जाइए। सबसे बेस्ट क्वालिटी की क्लास, सबसे कम प्राइस में, मोस्ट एफोर्डेबल रेंज और बेस्ट क्वालिटी, दोनों का पैकेज कहीं कहीं मिलता है। तो जल्दी से डिफेंस के सेक्शन में जाओ, सीडीएस के सेक्शन में जाओ। यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे अचीवर्स बैचेस शुरू हो चुके हैं। आईएमए के लिए ये बैच है, सीडीएस के लिए ओटीए वाला बैच है, मतलब सीडीएस ओटीए का बैच है और आईएमए का बैच है। कोड आपको पता ही है कि Y332 कोड ही यूज करना है मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, और 1839 रुपीज में सीडीएस की तैयारी शुरू कर देनी है, राइट। उसी तरह आपकी एफ कैट की भी तैयारी शुरू हो जाएगी। यहाँ पे एफ कैट का बैच आपको दिख रहा है, एफ कैट में उड़ान बैच चल रहा है, उड़ान बैचेस की भी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं ज्योग्राफी के लिए, है ना। और मेरी क्लासेस 10 बजे होती है, बाकी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। हिस्ट्री चल रहा है, साइंस चल रहा है, मैथ्स है, रीजनिंग है, तो 1839 रुपीज में आपको उड़ान बैच भी मिल जाएगा, राइट। तो उड़ान बैच में आप जल्दी से एनरोल कर लीजिए। साथ ही साथ देख लो, जो इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं वो SSC JEE का फाउंडेशन बैच में एनरोल हो जाओ। मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, जो भी आपके फाउंडेशन बैचेस हैं, फाउंडेशन स्ट्रांग रहेगा ना तो उसके बाद आपको दिक्कत नहीं होगा। इवन इसमें सारी क्लासेस जो है बहुत लंबी चलेंगी, मतलब काफी टाइम तक ये क्लासेस चलेंगी, ताकि आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। Y332 कोड यहाँ पे भी यूज करना है। पहले क्या होता था कि कम देर दिन की क्लासेस चलती थी, मुझे भी टाइम करने में, मतलब टाइम लगता था कंप्लीट कराने में सिलेबस, तो अब वो टाइम मुझे आराम से मिलेगा। फाउंडेशन बैच में यही फायदा है, और ये 12 महीने के लिए मिल रहा है आपको SSC JEE का फाउंडेशन बैच। प्राइस आपको बहुत ही कम अफोर्डेबल रेंज है ये। Y332 कोड आपको यूज करना है, राइट। और बताओ, और किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? SSR की? अच्छा, देखो डिफेंस में गए आप, यहाँ पे अग्निवीर इंडियन नेवी में गए, इसी में SSR और MR दोनों है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं SSR और MR दोनों की बैचेस है यहाँ पे, है ना। अग्निवीर इंडियन नेवी, ये तो बहुत ही कम प्राइस पे है, 4799 पे, इसको और कम कर दिया जाएगा, Y332 कर दिया जाएगा, और ये प्राइस हो जाएगा आपका 1103 रुपए में, ठीक है। और कौन सा बैच? CRPF, देखिए यहाँ पे CRPF में आप जाइए, ठीक है। सारे बैचेस हैं, बस आपको क्लिक करना और पढ़ाई शुरू कर देना है। ये बैच आपका 13 जनवरी से शुरू होगा, CRPF का बैच है। व्यू ऑफर्स में जाइए, कोड यूज कर लीजिएगा Y332 और अप्लाई कर दीजिएगा, तो CRPF हेड कांस्टेबल 1609 रुपीज में आपको ये बैच मिल जाएगा, है ना। तो सारे बैचेस मैंने बता दिए हैं, पढ़ाई शुरू कर दीजिए। और क्या चाहिए, और क्या टारगेट, जिसका जो टारगेट है ना, FCI JEE पेपर में आया है पढ़ाया हुआ, वेरी गुड भक्त है, इसी बात सुन लीजिए। रोड एक्सीडेंट इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज? देखिए हम क्वेश्चन दिखा देते हैं आपको, है ना। तो भारत की दुर्घटना जो है वो कमी आई है, कमी आई है, डिक्रीज हुआ है, हाँ जी। और किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? हो गया ना, सारे एग्जाम्स हो गए। अच्छा, तुमको हम बार बार बोलते हैं यार टेस्ट बनाओ टेस्ट बनाओ, तो एक बात बताओ, टेस्ट कहां से बनाओगे? तो टेस्ट बनाने के लिए आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, जैसे सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो जो नीचे जाइएगा ना, तो यहाँ पे टेस्ट सीरीज मिलेगा, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज यहीं से बनाना है, पढ़ तो लोगे ही, लेकिन टेस्ट सीरीज यहीं से बनाना है। तो टेस्ट सीरीज पे क्लिक करके आप टेस्ट सीरीज बना सकते हैं। कैसे? यहां पे आप कोड यूज कर सकते हैं Y332 और S कोड यूज कर सकते हैं। और हम क्या तुम लोग को बोलेंगे, बोलोगे इतना सारा बैच दिखा दें, ले कौन सा? तो हम बोलेंगे यार देखो महापैक ही बेस्ट होता है, अभी डबल वैलिडिटी का ऑफर भी चल रहा है, 6 महीने का महापैक लोगे, 6 मंथ प्लस 6 मंथ फ्री मिल जाएगा, चाहे वो डिफेंस का लो, बैंक का लो, SSC का लो, किसी का भी महापैक आप ले सकते हैं, है ना। 6 मंथ प्लस 6 मंथ का ऑफर है, कोड आपको पता ही है।
तो बेस्ट तो हमेशा यही है कि आप क्या करें, महापैक ही ले लें। महापैक में आपको ऑफर भी मिल जा रहा है, 6 मंथ प्लस 6 मंथ, ठीक है, या 1 ईयर प्लस 1 ईयर। 1 साल का लीजिएगा तो 2 साल का हो गया, 6 मंथ का लीजिएगा तो 1 साल का हो गया। 2299 रुपीज में आपको महापैक मिल जाएगा। फाइन, तो हो सकता है कि सारे बैचेस के बारे में मैंने बता दिया है, महापैक में जितने भी एग्जाम्स है सब कवर हो जाता है, ठीक है, सारे बैचेस मैंने बता दिए हैं, आप इसमें एनरोल कर लीजिए, पढ़ाई शुरू कर दीजिए। मेरी क्लासेस CDS में और FCAT में 10 बजे होगी, तो जल्दी से आ जाओ यार क्लासेस में, ठीक है। ऑल द वे।